देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फर्टिलाइजर में खाद कारखाने और एम्स का लोकार्पण करने के दौरान आयोजित जनसभा में लाखों लोग पहुंचे, जहां तक कि रैली समाप्त होने के बाद भी लोग जनसभा की तरफ रुख करते देखे गए। इस दौरान उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा लोक नृत्य कलाओं का भी प्रस्तुत किया गया। मोदी की रैली में उमड़ी जन सैलाब में लोग मोदी योगी का नारा लगाते रहे। किसी ने शंख बजाकर लोगों का अभिवादन किया तो कुछ लोगों ने जमकर नारेबाजी कर देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखा गया और लोग जनसभा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुनने के बाद ही रैली स्थल से रवाना हुए। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित एसएसबी और आरपीएफ के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। फिलहाल गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली अब तक के सारे रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऐतिहासिक रहा और लोग जनसभा में जमकर भागीदारी कर विकास की बुलंदियों के दर्शक बने। देश की आत्मनिर्भरता है अहम। प्रधानमंत्री जी ने कुशल, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल गोरखपुर खाद कारखाने से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्य जैसे बिहार लगे कि गोरखपुर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर। परियोजनाओं का लोकार्पण, मां पर अपार जन समूह और यहां का कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं पहुंचाए। अंग वस्त्र के साथ ही भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। अपार कालाचार के कारण इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, मंत्री जी के आज उनके कर कमलों से गोरखपुर की रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर का भी, जिसमें कोरोना के साथ साथ समृद्धि के द्वार भी खोलेंगे। मैं मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर और एक नया अध्याय जुड़ गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, विकास का, स्वास्थ्य का और समृद्धि का अनावरण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अपना कि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। नीरज जी,
गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही इस फर्टिलाइजर प्लांट पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहाँ आर्थिक विकास की एक नई संभावना के लिए समर्पित और संवेदनशीलता के अभियान को और मजबूती मिलेगी। इससे दूसरी असंक्रामक बीमारियां, भाइयों और बहनों, हमारे लिए 130 करोड़ से अधिक देशवासियों का स्वास्थ्य बहुत बहुत बधाई करता है। आपको हम सब की ओर से प्रणाम। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ, अपनी तालियों के प्रणाम के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को विदा दें, संभव कर देता है। और इसीलिए भारतवासी विश्वास के साथ कहते हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, असंभव को संभव करने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को करकर ध्वनि के साथ विदा दीजिए, अपने विश्वास के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ। इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। आप सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था दो 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 दो